अगर उत्थे जान दी जरूरत है मैं हाजिर हाँ, मैं इंशाल्लाह जाके मैं खलोवांगा इसराइल दे अगे, मैं उहदे नाल जंग कर। हेलो एंड वेलकम टू वोकली द ऑनेस्ट पब्लिक ओपिनियन। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर एक बार फिर से मजालिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिस पर बहुत मजम्मत की जा रही है। आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये मसला क्या है और इस मसले का हल क्या है। ये है कि यहूदियों ने सारे जिन्ने ने यहूदियों के नाल ने मुसलमानों के खिलाफ ने बस ये जब तक अज तक देखते आए हाँ 1939 की पैदाइश मेरी पाकिस्तान हिंदुस्तान मेरे वेखने वे बने है, सब कुछ हो रहा है। अज तक यही देखे है कि असं अपना मुफाज नू लई फिरने आ, असी होर किसी चीज़ नू मद्देनजर रखते। असी चंद रुपइयों के खातर या चंद अपने मुफाज की खातर असी अपने भैनों भरावों इस्लाम नू हर चीज़ नू नज़रअंदाज कर दिता है। असल में ये कश्मीर से भी बढ़ के है, क्योंकि उधर तो हिंदू लगे हुए हैं मुसलमानों पे जुल्म करने, और इधर यहूदी लगे हुए हैं मुसलमानों पे जुल्म करने, और ये फ़लस्तीन का मसला काफ़ी देर से है। इसको हल तलब होना चाहिए और पूरी दुनिया जो इस्लामी ममालिक हैं उनको मिलके इस पे ज़ाहरी बात है कुछ ना कुछ करना चाहिए। इतने लोग मर रहे हैं और एक जैसे जंग का समा बना हुआ है। अब हमारा मुस्लिम मुल्क है, ज़ाहरी बात है हमें उनके साथ हैं, हमारे हर कदम पे हम उनके साथ हैं, हमारी सांसें मुसलमानों के लिए होनी चाहिए कि चल रही हैं। ज़ाहरी बात है उन पे जुल्म हो रहा है तो समझे हम पे भी हो रहा है, इस वजह से हमें हम फ़लस्तीन के साथ हैं। बिल्कुल मसला बहमी है, एक तो समझना चाहिए इस चीज़ को कि मुसलमानों की किबला अव्वल है पहले, और उससे पहले ये भी था कि ये यहूदियों के लिए भी मुकद्दस मकाम है और उनके लिए ईसाइयों के लिए नसरानियों के लिए भी मुकद्दस मकाम है। ठीक है, अब ये मुकद्दस मकाम तो हम सब के लिए मुश्तरक ही है। सारा ये मिले हुए हैं, सारे मुसलमान जो है ना अपने आपस में अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, फ़िरका वारियत की लड़ाई होगी, इस तरह की आगे पीछे की सारी लड़ाई। तो अगर मुसलमान मुतहद हो जाएँ तो ये नौबत ही ना आए। जैसे हमारे 56 ममालिक इस्लामी ममालिक हैं, अगर ये मुतहद हो जाए तो ये इसराइल तो छोटा सा खिता है, इसके आगे कुछ भी। इसराइल कोई मुल्क ही नहीं है, हम तस्लीम ही नहीं करते। कायद आज़म ने कहा जी हम इसराइल को नहीं तस्लीम करते, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उसको नहीं तस्लीम करता, पाकिस्तान का आइन उसे नहीं तस्लीम करता। ये बहुत बड़ा जुल्म है, इंसान को कत्ल करना, उन पर हमले करने, ये सरासर गलत है। आपस में सलूक नहीं है, पता नहीं ऐसी कोई बात ही नज़र आती है, जो कि जितने इस्लामी मुल्क हैं तमाम मुल्कों को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले, कोई बात करे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ को हम तो पूरा अमन कौम है, हम तो चाहते नहीं है कि हम किसी के ऊपर जुल्म करें तो ज़्यादती करें। वो लोग क्यों कर रहे हैं, हम तो खुद इस बात पे हैं परेशान हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, बच्चों को, फैमिलियों को तबाह किया गया, मारा गया, इसमें तो बहुत दुख है। किसी को चुटकी काटे तो दर्द तो होता है, ये किसी के बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको ये सोचना चाहिए सुपर पावरों को कि कम अज़ कम ये सोच लें कि इनको तकलीफ़ तो होगी ना, जब ये मरते होंगे तड़पते होंगे तो कैसे कैसे ये बेचारे, इनके माँ बाप, इनके बड़े, इनकी फैमिलियाँ कैसे चलती होंगी। तो लॉबिस्ट हैं, वो सब कुछ वो करते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं। इधर हमारे हुक्मरान जस्ट ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करने से तो नहीं ना होता कुछ भी। तीनों को मैं बैठ के मसाला हल कर सकते हैं, वो इसलिए ना कि हम कब्ज़ा करें ना वो कब्ज़ा करें, तीनों के लिए आपको बताया ना मुकद्दस मकाम है। बल्कि इसराइल इस तरह करके ना अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है, बेहरमती करके, और दूसरा जो यहूदियों के मुतल्लिक इमेज है वो और ख़राब हो रहा है। और हम अमन ही चाहते हैं, लेकिन पता नहीं दुनिया को ये समझ क्यों नहीं आती कि मुसलमान जो है वो अमन पसंद हैं। दिफा उसका क्या है कि वो खुद आके नाते मुसलमानों पर जुल्म करता है, और उसके बाद जब वो उसको कोई तकलीफ़ होती है तो उसके इत्तेहादी आगे कहते हैं जी कि ये तो अपने दिफा में कर रहा है। ये सब लोग एक हो चुके हैं और मुसलमानों से खौफ ज़्यादा हैं कि मुसलमान अक्सरियत में हैं, इनको कोई लॉजिकल बात समझ में आ गई, इनकी किसी ने एजुकेशन इनको एजुकेट कर दिया तो हमारी खैर नहीं है, इसलिए ये मुसलमानों को इस अज़ाब में मुब्तला कर रहे हैं बार बार।
वो छोटे छोटे बच्चे, वो हॉस्पिटल, उनके स्कूल्स, तो सोचो अपने बच्चों को सामने रखे। इसकी वजह मुसलमानों की कमज़ोरी है, मुसलमान कमज़ोर हैं, मुसलमानों को तोड़ दिया गया, उनको हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, बरादरी बेस पे तकसीम कर दिया गया, मजहबी बेस पे तकसीम कर दिया गया पाकिस्तान को, फिर अगर मुसलमान है तो उनको फ़िरका परस्ती में डाल दिया गया, इस तरह उनको तोड़ दिया गया हुआ है। इसलिए वो गैर मुस्लिम हैं, वो अपना फ़ायदा लेते हैं। सबसे ज़्यादा लॉबी ही इसराइल की चलती है पूरी दुनिया में। जितनी भी मुस्लिम ममालिक है, कंट्री है, इनको एक होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये एक होंगे तो हम लोग इंशाल्लाह अपना जो इसराइल से जो हमारा इशू चल रहा है, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हम तो दुआ कर सकते हैं या कोई अच्छी सोच रख सकते हैं या हम ऐसी बात ही कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला तो बकाया देख रहा। मामला तो इनको चाहिए कि इस्लामी सारी ताकतें इकट्ठी होकर बात करें भी मुसलमानों को नस्ल क्यों मार रहे हैं, क्यों नस्ल का शिकार रहे हैं, क्यों ऐसा जुल्म उठा रहे हैं। तो कौमे मतदा के बह के गल करनी चाहिए कि काम क्यों हो रहा है, किस वजह तो हो रहा है। यह चीज़ा ने सिर्फ साढ़े इतफाक की जरूरत है, सानू सलूक की जरूरत है। अं सारे कट्ठे हो जाइए, बह के उन्होंने गल करिए, उठे खलो के गल करिए, किड़ा नहीं सुनता किड़ा सुनता, उठे पता लगेगा सानू कि मुसलमानों का नाल कौन ने, तो यहूदियों के नाल कौन ने। हम यही जंग कर सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से नहीं कर सकते, किसको उनकी जो प्रोडक्ट है ना उसको इस्तेमाल ना करेंगे उनकी मस्जिद को नुकसान होगा, जिसकी वजह से उससे भी पता चले कि मुसलमान भी किसी की मुकद्दस मकाम है तीनों कौमों के लिए, ठीक है। तो इस मुकद्दस मकाम की हुरमत को मद्देनजर रखते हुए सबको ही इहतराम करना चाहिए, ये सबके फर्ज है। मुसलमानों को मुतहद होने की ज़रूरत है इस टाइम। ये अपनी जो अंदरूनी है मामलात, फ़िरकावारियत होगी, तकरीब कारी वगैरह ख़त्म करके ना एक हो जाए, और इसराइल तो कोई चीज़ भी नहीं इसके आगे। हमें मिल के इकट्ठे होके इसका सद्देबाब करना चाहिए इस मसले का, और इनको जवाब देना चाहिए। ये मुट्ठी भर लोग हैं। अगर उठे जान की जरूरत है मैं हाजिर हाँ, मैं इंशाल्लाह जाके मैं खलोवगा इसराइल के अगे, मैं उनके जंग करने तैयार हाँ, हर चीज़ करने तैयार हाँ।